नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चाहे हम आज 21वीं सदी की मॉडर्न जिंदगी जी रहे हों, लेकिन आज भी यहाँ अंधविश्वास कम नहीं हो पाया। आज के इस युग में भी कई लोग ऐसे हैं जो दैवीय शक्तियों आदि में विश्वास रखते हैं। इस अंधविश्वास के कारण लोग किसी की जान लेने या जान देने से भी पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसे ही मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में यहाँ अंधविश्वास के चलते माता पिता ने ही अपने दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ गांव में माता पिता ने अपनी दो बेटियों की कथित तौर पर इस उम्मीद से हत्या कर दी कि क्योंकि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और दैवीय शक्ति से कुछ घंटे में वे वापस जिंदा हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में अंधविश्वास के कारण माता पिता ने अपनी दो बेटियों की हत्या कर दी। यह घटना चित्तौड़ जिले के मदनपल्ले कस्बे में रविवार रात हुई। लड़कियों की पहचान अलेखा 27 वर्ष और साई दिव्या 22 वर्ष के रूप में की गई। परिवार मदनपल्ले में शिवालयम टेंपल स्ट्रीट पर रहता था। आरोप है कि मां ने दोनों बेटियों पर डंबल से हमला किया। मां पद्मा और पिता पुरुषोत्तम नायडू दोनों प्रिंसिपल हैं। बड़ी लड़की अलेखा ने भोपाल से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी, जबकि छोटी बेटी साई दिव्या ने बीबी किया था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार जब पुलिस ने आरोपी दंपत्ति से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सूरज के उगते ही उनकी दोनों बेटियां जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कलयुग समाप्त हो जाएगा और सोमवार से सतयुग शुरू हो जाएगा। पुलिस ने पति पत्नी को हिरासत में ले लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।